श्राद्ध में विहित और निषिद्ध वस्तु का वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचार का निरूपण। मदालसा कहती हैं, बेटा, भक्ति पूर्वक लाई हुई कौन वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन वस्तु अप्रिय, इस बात का वर्णन करती हूँ, सुनो। हविष्यान्न से पितरों को एक मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उसमें बनी हुई खीर उन्हें एक वर्ष तक तृप्त रखती है। जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है, उससे उत्पन्न पुत्र से और गया के श्राद्ध से पितर अनंत काल तक तृप्त रहते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अन्नों में श्यामांक, राजश्यामांक, प्रसातिका, निवार और पौष्कर, ये पितरों को तृप्त करने वाले हैं। जौ, धान, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, कंगनी, कोदो और मटर, ये बहुत ही उत्तम हैं। मकई, काला उड़द, विप्रुषी और मसूर, ये श्राद्ध कर्म में निंदित माने गए हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू रस और वर्णहीन अनान्य वस्तुएं, गांधारिक, लौकी, खारा नमक, लाल गोंद, भोजन के साथ पृथक नमक, ये श्राद्ध में वर्जित हैं। इसी प्रकार जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जाती, वह वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है। सूद में मिला हुआ, पतित मनुष्यों के यहाँ से आया हुआ, अन्याय से तथा कन्या को बेचने से प्राप्त किया हुआ धन श्राद्ध के लिए अत्यंत निंदित है। दुर्गंधित, फेन युक्त, थोड़े जल वाले सरोवर से लाया हुआ, जहाँ गाय की प्यास न बुझ सके, ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ, रात का भरा हुआ, सब लोगों का छोड़ा हुआ अपेय तथा पौंसले का जल श्राद्ध में सदा ही वर्जित है। मृगी, भेड़, ऊंटनी, घोड़ी आदि भैंस और चंवरी गाय का दूध श्राद्ध में निषिद्ध है। हाल की ब्याई हुई गौ का भी 10 दिन के भीतर का दूध वर्जित है। मुझे श्राद्ध के लिए दूध दो, यूँ कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्ध कर्म में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहाँ बहुत से जंतु रहते हो, जो रूखी और आग से जली हुई हो, जहाँ अनिष्ट और दुष्ट शब्द सुनाई पड़ते हो, जो भयानक दुर्गंध से भरी हो, ऐसी भूमि श्राद्ध कर्म में वर्जित है। कुल का अपमान तथा हिंसा करने वाले, कुलाधम, ब्रह्म हत्यारा, रोगी, चांडाल, नग्न और पातकी, ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म को दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जाति बहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामीण सुअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चारों ओर से ओट करके श्राद्ध करना चाहिए। पृथ्वी पर तिल बिखेरे, ऐसा करने से श्राद्ध में रक्षा होती है। श्राद्ध की जिस वस्तु को मरना शौच या जनना शौच से युक्त मनुष्य छू दे, उसे दिनों का रोगी, पतित एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरों की पुष्टि नहीं करती। इसलिए श्राद्ध में ऐसी वस्तु का त्याग करना चाहिए। रजस्वला स्त्री की दृष्टि श्राद्ध में वर्जित है। सन्यासी और जुआरियों का आना जाना भी रोकना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग न करें। बैंगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए, वह भी श्राद्ध में वर्जित है। पितरों को उनके नाम और गोत्र के उच्चारण करके पूर्ण श्रद्धा के साथ जो कुछ दिया जाता है, वह वे जैसा आहार करते होते हैं, उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाले श्रद्धालु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो, वही श्राद्ध में सुपात्र ब्राह्मण को दान करे। विद्वान पुरुष योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराएं, क्योंकि पितरों का आधार योग ही है। इसलिए योगियों का सर्वदा पूजन करें। 1000 ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि एक ही योगी को पहले भोजन करा दिया जाए, तो वह पानी से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भवसागर से उद्धार कर देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृ गाथा का गान किया करते हैं, जिसे पूर्व काल में राजा पुरुर्वा के पितरों ने गाया था।
हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर उत्तम भविष्य का पिंड, साम्यक शाक एवं तिल मिली से हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तुएं हमें एक मास तक तृप्त रखने वाली हैं। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणायन में मधु और घी से मिली हुई खीर दे। इसलिए पुत्र, संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्य पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। बेटा, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को हव्य से देवताओं का, कव्य से पितरों का और अन्न से अतिथियों एवं भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इनके सिवा भूत, प्रेत, समस्त भृत्यगण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष तथा अनन्य याचकों की तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुष को करनी चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करके पूजन करता है वह पाप भोगता है। अलर्क बोले, माताजी, आपने पुरुष के नित्य नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक ये तीन प्रकार के कर्म बताए हैं। अब मैं आपके मुंह से सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने वाला मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। मदालसा ने कहा, बेटा, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना वर्ताव करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः सदाचार के पालन का सदा ही यत्न करे। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। वत्स, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाती हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो और उसका पालन करो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का एक चौथाई भाग पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहित करे। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा एक चौथाई भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रख कर उसे बढ़ाए। बेटा, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है उसका भी विचार करे। फिर वेद के तात्विक अर्थ परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करे। इसके बाद शयन से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्रातः काल की संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हों। इसी प्रकार सायंकाल की संध्योपासना सूर्यास्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करे। आपत्ति काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे। बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शास्त्र पढ़ना, नास्तिक वाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना छोड़ दे। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल हवन करे। उदय और अस्त के समय सूर्य मंडल का दर्शन न करे। बाल संवारना, आईना देखना, दातुन करना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वांग काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में जाते हुए खेत में तथा गौशाला में मल मूत्र न करें। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में न देखें।
अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करें। रज स्वला स्त्री का दर्शन स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मल मूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करें। बुद्धिमान पुरुष मल मूत्र केश राख खोपड़ी भूसी कोयले हड्डियों के चूर्ण रस्सी वस्त्र आदि पर तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठें। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता पितर मनुष्य तथा अनान्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए आसन पर बैठें और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करें। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाएं। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बताएं। उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा न करें। भोजन के साथ पृथक नमक लेकर न खाएं। अधिक गर्म अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर या चलते चलते मलमूत्र का त्याग आचमन तथा कुछ भी भक्षण न करें। झूठे मुंह वार्तालाप न करें तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठे हाथों से गौ ब्राह्मण अग्नि तथा अपने मस्तक का भी स्पर्श न करें। झूठी अवस्था में सूर्य चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर न देखें। दूसरे के आसन शैया और बर्तन का भी स्पर्श न करें। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने का स्थान दें। उठकर प्रणाम पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करें। उनके अनुकूल बातचीत करें। जाते समय उनके पीछे पीछे जाए और कोई प्रतिकूल बात न करें। एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा देव पूजन न करें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से भोज न ढुलाए और आग में मूत्र का त्याग न करें। नग्न होकर कभी स्नान अथवा शयन न करें। दोनों हाथों से सिर न खुजलाएं। बिना कारण बारंबार सिर के ऊपर से स्नान न करें। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाएं। सब अध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद रखें। ब्राह्मण अग्नि गौ तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करें। दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करें। जहां ऐसा करने में कोई बाधा हो वहां इच्छा अनुसार करें। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करें। यदि वे क्रुद्ध हो तो उन्हें विनय पूर्वक प्रसन्न करें। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हों तो उसे न सुने। ब्राह्मण राजा दुख से आतुर मनुष्य विद्यावृद्ध पुरुष गर्भिणी स्त्री बोझ से व्याकुल मनुष्य गूंगा अंधा बहरा मत्त उन्मत्त व्यभिचारिणी स्त्री शत्रु बालक और पतित ये यदि सामने आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय चैत्य वृक्ष चौराहा विद्यावृद्ध पुरुष गुरु और देवता इनको दाहिने करके चलें। दूसरों के धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं न पहनें। दूसरों के उपयोग में आए हुए यज्ञोपवीत आभूषण और कमंडलू का भी त्याग करें। चतुर्दशी अष्टमी पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तैलाभ्यंग एवं स्त्री सहवास न करें। बुद्धिमान मनुष्य कभी पैर और जंघा फैला कर न खड़ा हो। पैरों को न हिलाएं तथा पैर को पैर से न दबाएं। किसी को चुपती बात न कहें। निंदा और चुगली छोड़ दें। दंभ अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि न करें। मूर्ख उन्मत्त व्यसनी कुरूप मायावी हिनांग तथा अधिकांग मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाएं। पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के लिए आवश्यकता होने पर उन्हीं को दंड दें, दूसरों को नहीं। आसन को पैर से खींच कर न बैठें। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथि का सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करें। वत्स सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके ही दातुन करें। दातुन करते समय मौन रहें। दातुन के लिए निषिद्ध वृक्षों का परित्याग करें। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोएं। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोएं। दुर्गंधि युक्त जल में स्नान न करें। रात्रि में न नहाएं। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान का विधान है। स्नान कर लेने के बाद हाथ या कपड़े से शरीर को न मलें।
बालों और वस्त्रों को न फटकारें। विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन न लगाएं। लाल रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े न पहनें, जिसमें बाल थूक या कीड़े पड़ गए हों, जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसी ने चाट लिया हो, अथवा जो सार भाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को न खाएं। बहुत देर तक बने हुए और बासी भात को त्याग दें। पीठी साग ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें न खाएं। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन न करें। बिना नहाए बिना बैठे अन्य मनस्क होकर शैया पर बैठकर या सोकर केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए एक कपड़ा पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले पुरुषों को न देकर मनुष्य कदापि भोजन न करे। सवेरे शाम दोनों समय भोजन की यही विधि है। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए, पर स्त्री संगम मनुष्यों के इष्ट पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री समागम के समान मनुष्य की आयु का विघातक कार्य दूसरा नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बांबी की, चूहे के बिल की और शौच की बनी हुई ये पांच प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य हैं। हाथ पैर धोकर एकाग्रचित से मार्जन करके घुटनों को समेटकर दो बार मुंह के दोनों किनारों को पोंछे, फिर संपूर्ण इंद्रियों और मस्तक का स्पर्श करके जल से भली भांति तीन बार आचमन करें। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित चित्त से सदा देवताओं, पितरों और ऋषियों की क्रिया करनी चाहिए। थूकने, खंखारने और कपड़ा पहनने पर बुद्धिमान पुरुष आचमन करे। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने आदि के पश्चात आचमन, गाय के पीठ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन तथा दाहिने कान को छू लेना चाहिए। इसमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। दांतों को न कटकटाएं, अपने शरीर पर ताल न दें। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करें। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। बेटा, पूर्वांग काल में देवताओं का, मध्यांग काल में मनुष्यों का तथा अपरांग काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सिर से स्नान करके देव कार्य या पितृ कार्य में प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके क्षौर कराएं। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन, रोगिणी, विकृत रूप वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने वाली तथा सबके द्वारा निंदित हो, उसके साथ विवाह न करो। जो किसी अंग से हीन हो, जिसकी नासिका सुंदर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित हो, वैसे ही कन्या के साथ कल्याणकामी पुरुष को विवाह करना चाहिए। पुरुष को उचित है कि स्त्री की रक्षा करे, दिन में शयन और मैथुन न करें, दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करें, किसी जीव को पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री चार रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म रोकना हो तो पांचवी रात में भी स्त्री सहवास न करें। छठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युग्म रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ है। युग्म रात्रियों में स्त्री सहवास से पुत्र का जन्म होता है और अयुग्म यात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। अतः पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष युग्म रात्रियों में ही स्त्री के साथ शयन करे। पूर्वाह में मैथुन करने से विधर्मी और संध्याकाल में करने से नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है। बेटा, हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करें। देवता, वेद,
द्विज साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी, इनकी निंदा अथवा परिहास न करें। यदि कोई उदंड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपने से श्रेष्ठ और अपने से नीचे व्यक्तियों की शैया और आसन पर न बैठें, अमंगलमय वेश न धारण करें और मुख से अमांगलिक वचन भी न बोलें। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करें। उदंड, उन्मत्त, अविनीत, शीलहीन, चोरी आदि से दूषित, अधिक अव्ययी, लोभी, वैरी, कुल्टा के पति, अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक में निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से कभी मित्रता न करें। साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली न करने वाले, सामर्थ्यवान तथा उद्योगी पुरुषों से मित्रता स्थापित करें। विद्वान पुरुष वेद विद्या एवं व्रत में निष्णात पुरुषों के साथ बैठे। मित्र दीक्षा प्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, श्वसुर तथा ऋत्विक, इन छह पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करें। जो द्विज संवत्सर व्रत को पूरा करके घर पर आवे, उनकी अपने वैभव के अनुसार यथा समय आलस्य त्याग करके पूजा करें और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्धत रहे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उन ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी उनके साथ विवाद न करें। घर के देवताओं का यथास्थान भली भांति पूजन करके अग्नि स्थापन पूर्वक उसमें आहुति दें। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुहकों को, चौथी कश्यप को तथा पांचवी अनुमति को दें। फिर पूर्व कथनानुसार गृह बलि देकर वैश्व देव बलि दें। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पित करें। उसका क्रम बतलाती हूँ, सुनो। एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को तीन बलि दें। फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करें। तत्पश्चात ब्रह्मा, अंतरिक्ष, सूर्य, विश्वदेव, विश्वभूत, उषा तथा भूतपति को क्रमशः बलि दें। फिर पृतभ्यः स्वधा नमः कहकर दक्षिण दिशा में अपसव्य होकर पितरों के निमित्त बलि दें। फिर पात्र से अन्न का शेष भाग और जल लेकर यक्ष्मेत्ते निर्णय जन्म इस मंत्र से वायव्य दिशा में उसे विधि पूर्वक छोड़ दें। तदनंतर रसोई के अन्न से अग्राशन तथा हंतकार निकालकर उन्हें विधि पूर्वक ब्राह्मण को दें। देवता आदि के सब कर्म उन उनके तीर्थ से ही करने चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होती है वह ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी से आचमन करना उचित है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृ तीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है, उससे देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में कार्य तीर्थ है, उसे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का तर्पण पितृतीर्थ से, देवताओं का देवतीर्थ से और प्रजापति का कार्य तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नांदी मुख के पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण प्रजापति तीर्थ से करना चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि न लें। गुरुजनों तथा देवताओं की ओर पांव न फैलाएं। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न छेड़ें। अंजलि से पानी न पिएं। शौच के समय विलंब न करें। मुख से आग न फूकें। बेटा, जहाँ ऋण देने वाला धनी, वैद्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी, ये चार ना हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी, बलवान और धर्मपरायण राजा हो वहीं विद्वान पुरुष को निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में सुख कहाँ। जहाँ दुर्धर्ष राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील पूर्ववासी
और ईर्ष्या न करने वाले लोग हों, वहीं का निवास भविष्य में सुखदायक होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हों, किंतु वे अधिक भोग परायण न हों, तथा जहां सब तरह के अन्न पैदा होते हों, वहीं बुद्धिमान पुरुष को रहना चाहिए। बेटा, जहां विजय का इच्छुक पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग ये तीन सदा रहते हों, वहां निवास न करें। विद्वान पुरुष को ऐसे ही स्थानों पर सदा निवास करना चाहिए जहां के सहवासी सुशील हों।